हेलो फैमिली, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मुन्ना किचन में। आज हम आपके लिए लेके आए झटपट रोहू मच्छी बनाने की बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही विनती करूँगी आप भी अपने घर पर एक बार ज़रूर इस तरीके से मच्छी बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ना भूलें आपकी मच्छी कैसी बनी। तो आइए शुरू करते हैं। एक प्लेट में रोहू मच्छी को ले लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, साथ ही में अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। अब हम इसे हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद अब हम एक कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे हमने जो लिया है वो है राई का तेल। अगर आप राई के तेल में नॉनवेज बनाते हैं तो उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। थोड़ी देर के बाद तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके तीन फिश को ऐड कर देंगे। थोड़ी देर के बाद अब हम फिश को पलटी कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं फिश एक तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब हम पलटी करके दूसरी तरफ से भी इसे अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। गैस की आँच आप फास्ट ही रहने दीजिए। थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे एक एक करके। बचे हुए तेल में अब हम वापस से फिश को ऐड कर देंगे जो बचा हुआ है। फिश को ऐड करने के बाद अब हम इसे गोल्डन फ्राई होने तक पका लेंगे। थोड़ी देर के बाद अब हम इसे पलटी कर लेंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं सारे मच्छी को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम गैस की आंच बंद कर देंगे। साथ ही में अब हम लेंगे एक मिक्सी जार, थोड़ा सा सूखा धनिया ऐड कर देंगे इसमें, थोड़ा सा काली मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा सा जीरा, दो से तीन इलायची ऐड कर देंगे छोटी इलायची। यहाँ पे हमने दो चम्मच राई लिया जो हमने आधा घंटा पहले भिगो के रखा था। राई को ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन की कलियाँ। थोड़ा सा अदरक को रफली चॉप करके ऐड कर देंगे। अदरक ऐड करने के बाद अब हम इसमें रफली चॉप करके तीन से चार टमाटर को भी ऐड कर देंगे। साथ ही में अब हम इसमें सूखी हुई कश्मीरी लाल मिर्च को ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं पेस्ट अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। अब हम इसमें फिश कड़ी मसाला ऐड कर देंगे जो कि हमने लिया है एवरेस्ट का। अब हम इसे साइड में रख देंगे। तेल को गर्म होने के बाद अब हम इसमें तेज़पत्ता और जीरे को ऐड कर देंगे। साथ ही में अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे और इसे लगभग 30 सेकंड के लिए भून लेंगे।
30 सेकेंड अच्छी तरह से भुनने के बाद अब हम इसमें तैयार किए हुए पेस्ट को ऐड कर देंगे। पेस्ट को अच्छी तरह से ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लगभग 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाए और आपको खाने में और भी मज़ा आए। तीन मिनट अच्छी तरह से भुनने के बाद अब हम इसमें बारीक कटे हुए हरे धनिए को ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम मसाले को लगभग 3 से 4 मिनट तक और अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। लगभग 4 मिनट के बाद मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अगर आपको चावल के साथ खाना है तो आप ज़्यादा पानी ऐड कीजिए, रोटी के साथ खाना है तो कम पानी ऐड कीजिए। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसे लगभग 1 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। साथ ही में अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। ध्यान रखें आपको थोड़ा सा नमक कम ऐड करना है क्योंकि जब आपने मच्छी को मैरिनेट करने के लिए रखा था उस टाइम पे भी आपने नमक ऐड किया हुआ है। नमक ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2 मिनट पकने देंगे। दो मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें एक एक करके मच्छी के पीसेस को ऐड करते जाएंगे जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था स्टार्टिंग में। सारी मच्छी को ऐड करने के बाद अब हम इसे हल्के हाथों से एक बार कुछ इस प्रकार से चला लेंगे और गैस की आंच बंद कर लेंगे। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं झटपट रोहू मच्छी बनके एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। साथ ही इसका कलर काफ़ी बेहतरीन आया है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई रहेगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया तुरंत कर दें।